नैनीताल की खूबसूरत झील पर संकट मंडराने लगा है। जिस झील की वजह से नैनीताल का वजूद है, उसका पानी आश्चर्यजनक तरीके से सूख रहा है। जिस झील से इन पहाड़ों की झांकी सवर जाती है, वो झील चिंताजनक रूप से सूख रही है। नैनीताल का ताल जगह जगह से अपना तल दिखा रहा है। फरवरी के आखिर तक तो वहां सर्दी का साम्राज्य रहता है, लेकिन गर्मी का आलम और बारिश की बेरुखी देखिए कि मशहूर नैनी झील का पानी लगातार कम होता जा रहा है। देखिए, नैनीताल झील जो है, इस बार इसका जो जल स्तर है बड़े ही चिंताजनक तरीके से गिरा है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि इस बार जो मानसून की बारिश थी, ये 20% औसत से कम रही, और इस बार अभी तक की जो विंटर्स की बारिश है, ये केवल 17 mm है, छिटपुट रूप से हुई है। और जो मेजरिंग स्टिक है, जहां पे कि पानी नापा जाता है, उसमें जो न्यूनतम जल स्तर है, उसके भी नीचे जा चुकी है। नैनीताल में इस बार सर्दियों में बहुत कम बारिश हुई। 3 से 4 महीनों के दौरान महज 17 मिलीलीटर की बारिश ने नैनीताल को बेहाल कर दिया। अभी ताल का जो हाल है, वो आम तौर पर मई जून के महीनों में भी नहीं होता। मल्ली ताल के पास जल स्तर गिरने से मलबा जैसा डेल्टा उभर आया है। बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने नैनीताल का ये हाल नहीं देखा। मैं बचपन से ही रहा, यही मैंने अपनी जिंदगी सारी बिता दी है। मई और जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है, तब भी इस नैनी झील का स्तर इतना नीचे मैंने कभी नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। तालाब कहाँ था, कहाँ तक पहुँच गया है। ये झील इस पर्यटक शहर की जान है। इसकी खूबसूरती से लेकर इसका कारोबार और संसार, सब कुछ इस ताल से तय होता है। लेकिन जिस तरह से इस ताल का पानी सूखा है, उससे बड़े संकट के आसार हैं। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल। सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं। गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना।